वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट किया था, आज भी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस लेक्चर में 2017, 2018 और 2019 में पूछे गए सीटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 2017 से, जिसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ जी ऑफ एक्स इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x^4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ x की वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, जी एक्स एफ एक्स का इन्वर्स फंक्शन है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। g ऑफ x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, g डैश ऑफ x की, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो LHS में g डैश ऑफ x तो मिल जाएगा, RHS में क्या आएगा, f इन्वर्स x का डेरिवेटिव। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव तो अपने को पता नहीं है, अपने पास f का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, f इनवर्स को अगर मैं LHS में लेकर आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। ओके, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको x सपोज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि ये एफ एक्स दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा, और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको क्या कर रहे हैं, एक्स सपोज कर रहे हैं। अब इसको एक्स सपोज कर रहे हैं तो चेन रूल से इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इनटू में, तो आगे आ जाएगा इनटू में जी डैश ऑफ एक्स, यहां से भी जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल रही है अपने को। ठीक है, RHS में एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है, अब किसकी वैल्यू चाहिए, जी डैश ऑफ एक्स की, तो जी डैश ऑफ एक्स को यहीं रखता हूँ, हो जाएगा 1/f′ g(x)। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, इस x को रिप्लेस कर देता हूँ g ऑफ x से, तो f डैश ऑफ gx भी मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x को रिप्लेस कर देता हूँ g ऑफ x से, तो LHS में कर रहे हैं तो RHS में भी करना पड़ेगा, RHS में मिलेगा 1/1 + g(x)^4। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, g डैश ऑफ x की, वो किसका रेसिप्रोकल है, f डैश ऑफ gx का, तो f डैश ऑफ gx का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + g(x)^4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, समझ में आ गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें दो इक्वेशंस दिए हुए हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1/t एंड y इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t, और हमें क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x और y को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को मिलेगा एक्स वाई इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, टी माइनस 1/t इंटू में टी प्लस 1/t। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर तो वन ही रहेगा, आइए समझ में। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो यहाँ पर चेन रूल लगेगा, सॉरी चेन रूल नहीं, यू इंटू वी रूल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू इंटू वी रूल लगाएंगे, पहला वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल टू इसका डेरिवेटिव पूरा पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं वहाँ पर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डीवाई बाई डी एक्स की, तो एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स को यहीं पे रखेंगे, वाई इंटू वन उधर जाकर के माइनस वाई हो जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को नीचे भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जिसके अंदर हमें दिया हुआ है, इफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, पहले तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो अपने को मिलेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में एफ टी का डेरेवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ टी। ठीक है, और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू जी डैश ऑफ टी। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे ही करते हैं हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन। अब दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये क्या दे देगा अपने को, जी डैश अपॉन एफ डैश, अब टी नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी ये क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ
डीवाई बाई डी एक्स, यानी कि डीवाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू है अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करने पे एलएचएस में मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और आरएचएस में यू अपॉन वी रूल लगाएंगे। ठीक है, यू अपॉन वी रूल उसमें कैसे होता है, नीचे वाला इंटू डेरेवेटिव ऑफ ऊपर वाला, नीचे वाला इंटू में डेरेवेटिव ऑफ ऊपर वाला। जी डैश का डेरेवेटिव निकालेंगे तो जी डबल डैश हो जाएगा माइनस ऊपर वाला इंटू में डेरेवेटिव ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको ऑप्शन में ढूंढना है कहाँ पर है, तो एफ डैश का स्क्वायर एक ही जगह दिख रहा है बी में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, एफ डैश जी डबल डैश माइनस जी डैश एफ डबल डैश अपॉन एफ डैश का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही सेम क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट लेक्चर के लास्ट सम में देखा था। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। तो पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 10^2, यानी कि 100, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। समझ में आ रहा है, एक्स क्यूब को इधर ले लेता हूँ, वाई क्यूब को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 100 एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। समझ में आ गया, तो ये हो गया माइनस 99 एक्स क्यूब और ये हो गया 101 वाई क्यूब। क्लियर है? ठीक है, चलो तो डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। तो माइनस 99 कॉन्स्टेंट है, बाहर ही रहेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर पे 101 कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, चेन रूल लगेगा यहाँ। अब यहाँ से 3 और 3 को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे कैसे मिलेगी, माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन में 101 वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा अपने को, है ना, नंबर्स तो है नहीं, यानी कि इस 99 को या फिर माइनस 99 को और 101 को क्या करना है, हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो वो कैसे एलिमिनेट होगा, तो 99 और 101 के टर्म्स में एक इक्वेशन अपने पास है यहाँ पर। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, 101 को नीचे ले लेता हूँ, एक्स क्यूब को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस 99 अपॉन 101 इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, यानी कि इस वैल्यू के बदले हम लोग वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू है ना यहाँ पर, तो इसके बदले क्या लिख लेता हूँ, वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, तो हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, कैंसिलेशन कर लेंगे तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, एक्स स्क्वायर पूरा उड़ गया, और यहाँ पे एक वाई बच जाएगा, वाई स्क्वायर पूरा उड़ गया, तो बचा गया फाइनली वाई अपॉन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर कहाँ दिख रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2018 का, इफ वाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ एक्स द होल स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर अपने को डी वाई बाई डी एक्स भी दिख रहा है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा और सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक्स स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, चेन रूल से इंटू में जिसको एक्स समझे थे उसका भी डेरिवेटिव आएगा, यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि 10 इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पर 10 इनवर्स ऑफ एक्स ही रहेगा। समझ में आ गया, ओके, तो इसको इधर पे भेज देता हूँ ताकि डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाए अपने को, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 10 इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 लिख करके छोड़ देते हैं इसको। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे यू इंटू वी रूल लगेगा, तो यू इंटू वी में क्या होता है, पहला डेरिवेटिव दूसरा, पहला, फिर से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको, पहला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा वाला इंटू में डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, ओके, एलएचएस का डेरिवेटिव हो गया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 2 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
क्लियर हो गया। ठीक है, अब इस 1 + x² को भेज देता हूँ, इधर पे भी भेज देता हूँ और इधर पे भी भेज देता हूँ, दोनों साइड भेज देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x² + 1 × x² + 1 d² y/dx² ठीक है, प्लस में यहाँ पर आ जाएगा x² + 1 में इंटू का dy/dx × 2x = 2। ठीक है, यही चाहिए था क्या अपने को? हाँ यही चाहिए था, 2x² + 1 dy/dx। ठीक है, और यहाँ पर हाँ बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, समझ में आया? तो बड़े आसान आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें दे रखा है x = e^θ (sin θ − cos θ) एंड y = e^θ (sin θ + cos θ), देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट θ = π/4। ठीक है, तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है, अगर उसमें थीटा मिलेगा तो थीटा की जगह पाई बाई फोर सब्सटीट्यूट भी करना है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म का टाइप है ये, तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देता हूँ इंडिविजुअली थीटा के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा dx/dθ इक्वल टू, यहाँ पे u × v रूल लगेगा, तो u × v में होता क्या है, पहला वाला इंटू में डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, इसका डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और कॉस का होता है माइनस साइन, यानी कि माइनस माइनस प्लस साइन। ठीक है, समझ में आ गया, ये एक ही पार्ट हुआ, प्लस करके दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू e^θ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब क्या करेंगे, dy/dθ की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो dy/dθ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर भी सेम u × v रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा e^θ × sin θ का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन, ठीक है, प्लस में sin θ + cos θ × e^θ। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ताकि dy/dx मिल जाए, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूँगा, dy/dx के लिए dy/dθ को डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ से e^θ कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी e^θ कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास न्यूमरेटर में ये एक्सप्रेशन बचेगा cos θ − sin θ प्लस में sin θ + cos θ। ठीक है, ब्रैकेट खोल ही देता हूँ यार, तो ये ब्रैकेट यहाँ से हट गया, नीचे ये दोनों ब्रैकेट्स बचेंगे cos θ + sin θ + sin θ − cos θ, कैंसिल हो रहा है क्या, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से साइन साइन उड़ रहा है और यहाँ से cos cos उड़ रहा है। ठीक है, तो cos θ + cos θ, 2 बार cos θ, यानी कि dy/dx की वैल्यू आ रही है 2 बार, ऊपर न्यूमरेटर में cos θ और डिनोमिनेटर में 2 बार sin θ, दो दो भी उड़ गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, यानी कि dy/dx की फाइनल वैल्यू आ रही है cot θ, लेकिन थीटा की जगह क्या डालना है, π/4, तो cot π/4 कितना होता है, cot 45, यानी कि 1, समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं 2019 की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है, इफ़ fx = cos inverse of this expression, देन वैल्यू ऑफ f′(e) = what? f′(e) की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले क्या करेंगे, f′(x) की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, f′(x) मिल जाएगा, उसमें x की जगह पर e सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो उससे f′(e) की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो f′(x) निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन क्यों करेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना इतना आसान नहीं है और सब्सटीट्यूशन करने से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देख करके आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस याद आने चाहिए जो टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूशन करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग log x की जगह पर tan θ सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 − tan² / 1 + tan² ये फॉर्मूला है किसका, है cos θ का। अब cos θ आएगा इसके बदले, तो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x की जगह tan θ डाल दूँ तो fx बन जाएगा cos inverse of 1 − tan²θ / 1 + tan²θ। समझ में आ गया? अब 1 − tan² / 1 + tan² क्या होता है, cos²θ होता है, डबल एंगल के फॉर्मूले ही है। ठीक है, बाहर क्या है, cos इनवर्स है। अब cos इनवर्स और cos क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास बचेगा क्या, 2θ बचेगा, तो fx की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये fx कितना सिंपल है और ये fx कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू डालेंगे x के टर्म्स में और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan inverse of 10, को इधर पे भेज दिया तो ये हो गया tan inverse of log(x) = θ। ठीक है, तो हमारा fx हो जाएगा 2 × tan inverse of
log of x, समझ में आ रहा है? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे अपने को मिलेगा 2 इंटू में टेन इनवर्स ऑफ, इसको x मान लो, टेन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, x कौन है? log x, ठीक है? चेन रूल से जिसको x माने हैं इंटू में उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, ठीक है? समझ में आ गया? लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब लॉग के बेस में e है, ठीक है? नेचुरल लॉगरिथम है, और नेचुरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन x ही होता है। अब क्या करना है, x की जगह पे e सब्स्टिट्यूट करना है, तो f डैश ऑफ e की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस log e, log e कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना? log e टू द बेस e इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन e, समझ में आ रहा है? तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, फाइनली बचा क्या, 1 बाई e, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, पैरामेट्रिक का टाइप है ये, ठीक है? तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी, एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब स्क्वायर रूट को देख करके अपना पहले ही बीपी हाई होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूँ तो यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू साइन इनवर्स ऑफ टी, और यहाँ पर मिलेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ टी। अब अगर आपने ट्रिगो अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो साइन यूनिवर्सिटी और कॉस यूनिवर्सिटी को देख करके कुछ तो याद आएगा, ठीक है? क्या याद आएगा अभी देखते हैं आगे। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो LHS LHS से मल्टीप्लाई होगा, LHS में मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए साइन यूनिवर्सिटी इंटू ए कॉस यूनिवर्सिटी, ठीक है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस से में, यानी कि पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, साइन यूनिवर्सिटी प्लस कॉस यूनिवर्सिटी। अब इसको देख करके आपको एक आइडेंटिटी याद आएगी, ठीक है? साइन यूनिवर्सिटी प्लस कॉस यूनिवर्सिटी क्या होता है, पाई बाई टू होता है, इनवर्स ट्रिक फंक्शन के अंदर आप लोग ने इसको पढ़ा है, तो हो गया ए रेस टू पाई बाई टू, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, ठीक है? तो LHS में डेरिवेटिव लेंगे तो यू इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा, पहला वाला डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई इंटू में डीवाई बाई डी एक्स प्लस y स्क्वायर इंटू टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, 2xy से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को, तो पूरे इक्वेशन को अगर 2xy से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1x उड़ेगा, 2 भी उड़ गया, y तो चला गया, बचा क्या, x इंटू डीवाई बाई डी एक्स प्लस, इसको 2xy से डिवाइड करेंगे तो 2x गया 1y गया, बचा क्या 1y इक्वल टू जीरो। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये y उधर गया माइनस y और x नीचे आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, माइनस y बाई एक्स, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है? समझ में आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सेशन का, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इसको। तो हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? तो हमें पता है log के टर्म्स में जब भी डेरिवेटिव निकालना होता है तो बेस क्या बनाना पड़ता है, e बनाना पड़ता है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, e स्क्वायर दिया हुआ है, तो चेंज ऑफ बेस लॉ लगा लेंगे। चेंज ऑफ बेस लॉ लगाने पे अपने को मिलेगा log ऑफ log x अपॉन में log ऑफ e स्क्वायर, ठीक है? अब बेस में क्या आया, जो अपने मन में आता है वो लगा लो, ठीक है? इसको मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, ठीक है? इसका डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया log ऑफ log x अपॉन log e स्क्वायर, तो 2 सामने आ जाएगा, तो ये हो गया 2 log e, और log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी, dy by dx विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, log ऑफ log x का डेरिवेटिव, तो इसको क्या करता हूँ मैं, x सपोज कर लेता हूँ, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू में जिसको x सपोज किया उसका भी डेरिवेटिव लेंगे ना, ठीक है ना? यानी कि log x का डेरिवेटिव वो होता है 1 अपॉन x, और यहाँ पर क्या आया, log x आया, समझ में आ रहा है? तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, ठीक है? x इंटू log x, और यहाँ पर 2 भी है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इस 2 को ऊपर भेज सकता हूँ x के पावर में, है ना, log की प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू log ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है? अब इसको ऑप्शन में देखेंगे कहाँ दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही उड़ गए, है ना, क्योंकि इनके न्यूमरेटर में 2 है और अपने को न्यूमरेटर में 2 कहीं पे भी नहीं मिला है, तो बचते हैं ये दोनों, यहाँ पर x स्क्वायर दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर
डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया है। प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।